तो व्हाट्स अप गाइस, के सब सभी लोग वेलकम बैक टू न्यू गेम प्ले वीडियो। तो गाइस हम फिर से खेलने आ रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो गाइस जितना आपको पता है पिछले गेम प्ले में हमने करी डायमंड माइनिंग की प्रिपरेशन। तो गाइस आज हम करने आ रहे हैं डायमंड माइनिंग। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के अब जल्दी से गेम में चलते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस चलिए हम गेम में आ चुके हैं। तो गाइस चलिए ब्रेड खाते हैं। और गाइस जैसा आपने पता ही है पिछले गेम प्ले में ये करा था, खोला था, तो यहीं पे आ गए हैं हम। तो देखिए ऐसा कुछ है। तो आज चलिए अब जल्दी से बाहर चलते हैं, और बाहर चलते हैं जल्दी से। तो आज चलिए बाहर आ चुके हैं हम, ये खोदना पड़ेगा पहले हमें ये। तो आज चलिए खोद दिया है, चलते हैं बाहर। वाटर बकेट लगाते, इंग्लिश कैसे होता है यार ये वाटर बकेट का, तो लगाते हैं कहाँ। अब यार एक मोबाइल में कंट्रोल इतने गंदे हैं ना, लगाता कहाँ लगती कहाँ है वाटर बकेट। चलेगा ले लिया, कलेक्ट करते हैं पानी और निकलते हैं अपने घर के लिए। चलेगा इस गाइस हाँ, तो आज जितना पता है ये इग्लू भाई, इग्लू मिला था मुझे। तो आज इग्लू जो है ना, इग्लू भाई खजाना होता है भाई, मैंने सुना है। तो गाइस उस इग्लू को मैं जाके देखते हैं, वो इग्लू पता नहीं इधर इधर के साइड ही था शायद। उस इग्लू में खजाना होता है भाई, खजाना समझ रहे हो गाइस। तो आज देखते हैं हमें क्या खजाना मिलता है। भाई रेस्ट हमारा एरा और वो रहा सामने इग्लू। तो आज देखते हैं चलते हैं क्या खजाना होता है, देखते हैं क्या मिलता है हमें उस इग्लू से। तो बस चलिए जल्दी चलते हैं, बस खाना भी खा लिया है, बस यार अपना जहर वाला इग्लू। तो मेरे ख्याल से यार यहीं पर कहीं गड्ढा होता है। तो हाँ ये रहा भाई गड्ढा, सही कह रहे हो, सही कह रहे, सही सुना भाई मैंने, खजाना होता है यार यहाँ पे। चलिए नीचे चल के देखते हैं क्या खजाना होता है, क्या मिलता है हमें खजाने में। चलते हैं जल्दी नीचे बिना किसी देरी, बिना किसी टाइम गवाए। चलेगा आ चुके हैं। अबे यहाँ पे तो विलेजर बंद है भाई, ये कैसे हो रहा है। यहाँ पे पोशन भी है, एक जोम्बी विलेजर है और एक विलेजर है। तो आज ये वाला पोशन, इससे हम उसको करके उसको हम विलेजर बना सकते हैं नॉर्मल विलेजर, जोम्बी विलेजर से। तो चलते हैं लिए तोड़ देते हैं, इसका ट्रे करके देखते हैं क्या क्या दे रहा है ये। अच्छा पेपरों में एमरल दे रहा है, और एमरल में क्या दे रहा है, एमरल में मैप, शायद मैप ऐसा ही था कुछ। चलेगा बस कोई नहीं, अब देखते हैं ज़रा चेस्ट में क्या क्या है। गाइस गोल्डन एप्पल, अरे वाह। चलेगा पहले तो नॉर्मल एप्पल भी है, तो नॉर्मल एप्पल भी उठा लेते हैं, गोल्डन एप्पल भी उठा लेते हैं। चलेगा अब नॉर्मल एप्पल उठा दे, गोल्डन एप्पल उठा लिया हमने। तो आज चलिए और गाइस अब ये वाला विलेजर देखते हैं। अब ये वाला तो हमने खोल लिया है, इसकी शक्ल देखे कितना मासूम सा है बेचारा। अब इसको खोलते हैं, राक्षस सा ये, इसकी शक्ल तो बड़ी डरावनी लग रही है, अब कहाँ जा रहा है यार। तो आज चलिए इसे भी खोल दिया, चलते हैं अब जल्दी से देखते हैं क्या हम पोषण मारते हैं इसको, जल्दी से सही करते हैं। चलिए चलिएगा मार दिया है। तो ये सिर्फ पोषण ही मारना होता है ना, ये कुछ और भी मारना होता है। तो गाइस मुझे पता नहीं यार, क्या शायद कुछ और भी खिलाना होता है या फिर कुछ और पोषण भी मारना होता है इसको। गाइस सोचता हूँ यार क्या खिलाना होता है यार, कुछ खिलाना, अच्छा गोल्डन एप्पल खिलाना होता है। मैंने इन्वेंटोरी खोली, मैंने कहा अच्छा गोल्डन एप्पल है, गोल्डन एप्पल खिलाना होता है। तो बस चलिए इसे हमने खिला दिया, अभी कुछ देर बाद अपना नॉर्मल विलेजर बन जाएगा। चलते हैं अब जल्दी से, कितना मजबूत है यार ये। चल बेटा बाय बाय, तो ये मासूम दिल वाले मतलब मासूम शक्ल वाले बाय बाय। तो आज चलते हैं चलिए ऊपर, लाइट बली जहर वाली लगी। तो आज चलिए हम घर पर आ चुके हैं, इतने ज़ॉम्बी थे ना यार, इतने मतलब खुद खत्म होने वाले थे भाई, इतनी बच बच के भाग भाग के कुत्ते ही रफ्तार है भाग कर आया भाई मैं घर तक। चलेगा आप जल्दी यार सोने तो अब भयंकर, सोने भी नहीं देते साले चावल से मोब साले मोस्टर से भाई। ये घर में कहते गुजिया मेरे, अरे दादा अब लग रही है, अब लग रही है तेरी बहन की छत। अरे गाइस बड़ी तेज लग रही है भाई, भाई घर में कहाँ से घुस गया भाई, यहाँ से घुसा होगा दो ये खुले में सारे लोकल डब्बे मतलब खुल रखे गाई, मैंने कुछ लगाता हूँ यार यहाँ पे। अरे साला झटके तो आ गए, मैंने कहा अरे छूत रुपये किन्ने मार दी मेरे, फिर देख रहा अच्छे भाई जो भी स्केलेट खा रहा भयंकर यार, बहुत तेज लगी ऐसा कहा मेरे को नहीं प्लेयर को, माइनक्राफ्ट वाले प्लेयर को उल्टे थे बस सोचना आप। तो अच्छे ले तो सोए थे अब, सो के उठते हैं। चलिए गाइस अब सो के उठ चुके हैं, चलते हैं जल्दी से अपनी मेन
मकसद। और आपको पता है हमारा मेन मकसद क्या है? डायमंड माइनिंग। तो बस चलिए चलते हैं जल्दी। तो बस चलिए, इतना तो हमने पार कर लिया रास्ता, अब जल्दी नीचे चलते हैं और आपसे नीचे चल के मिलते हैं। तो बस चलो नीचे आ चुके हैं, चलते हैं जल्दी। तो माइनिंग करते हैं और आपसे माइनिंग करते हैं, मतलब आपसे वापस नहीं, माइनिंग करते हैं जल्दी से। कल चलिए खोदते हैं। हो गाइस, देखिएगा डायमंड मिल चुके हैं गाइस। 10 साल बाद देने के बाद, मतलब अपने पिकेक्स वेस्ट देने के बाद अपने पिकेक्स को हमने बलि चढ़ा दी है। जब जाके हाय हाय मेरे को डायमंड मिले हैं। वैसे तो गाइस मैंने थोड़ी सी माइनिंग करी है, थोड़े में से ही मिल गए, अच्छी बात है। चलिएगा जल्दी तोड़ते हैं, देखते कितने डायमंड है। तो गाइस शायद पता नहीं कितने हो गए, वो ऊपर कितने सारे हैं भाई। मजा आ गए भाई, डायमंड मिल गए। चलेगा तो टूट गया भाई, क्या हो गया। तो अंदर एक और है, चलेगा एक और तोड़ते हैं जल्दी से, कितना होगा भाई कलेक्ट करके देखते हैं। तो बस 100 डायमंड भाई, अनबिलीवेबल भाई, अनबिलीवेबल। चलेगा कोई नहीं, बहुत जहर सीन हो गया हमारे साथ ये वाला। अब आगे माइनिंग करते हैं जल्दी से। तो डट वट तोड़ते हैं जल्दी से, अब तो जल्दी से तोड़ते हैं। को भाई मैं माइनिंग करते करते इतनी दूर आ गया भाई वो, और यहाँ पे भाई केव निकली। और हम आगे माइनिंग करेंगे नहीं क्योंकि मॉन्स्टर होंगे। तो चलिए अब हम इधर की साइड माइनिंग करते हैं, माइनिंग चालू करते हैं। चलिएगा अब एक ब्लॉक सेंटर वाला तोड़ेंगे। चलेगा मैं खुदते यार आ चुका हूँ यहाँ पे। तो आज बहुत देर हो गई यार, मतलब बहुत देर तो नहीं हुई वैसे, फिर भी यार मैंने हाथ दुख गए मेरे। अब डायमंड अनबिलीवेबल भाई, अभी तो मैंने खोदा भी नहीं कुछ भाई। जैसे ही मैंने वीडियो स्टार्ट करी, मतलब जैसे ही मैंने बोलना चालू कर, देखना भाई कितना खोदा है मैंने, बस फिर भी डायमंड मिल गए। ये भाई मैंने बोलना चालू करा तो भाई मेरे हाथ दुख गए हैं। तो भाई मतलब बहुत देर भाई वैसे डायमंड, अरे वाह भाई वाह, बहुत जेर भाई। चलेगा जल्दी से डायमंड कलेक्ट करते हैं। तो भाई कितने डायमंड हो गए वैसे? तो गाइस और ज़्यादा भी माइनिंग नहीं करेंगे भाई, इतनी बहुत है हमें, सिर्फ अब पूरे के पूरे टूर बनाने, ज़्यादा नहीं बनाने का। 12 डायमंड हो गए हैं, बहुत है। तो चलिए जल्दी ऊपर चलते हैं। अब ऊपर चले गए माइन, वो भी करेंगे EXP कलेक्ट, क्योंकि हमें इनसे एनचेंट भी करना है। तो चलिए आपको ऊपर चल के मिलते हैं। तो चलिए ऊपर आ चुके हैं, तो रात हो रही है, जल्दी से ज़ॉम्बी को मारते हैं। ज़ॉम्बी को मार के जल्दी से एक EXP कलेक्ट करते हैं, और आपसे जल्दी से कलेक्ट करने के बाद मिलते हैं। मैंने तो फेक दे दिया यार स्लो का। तो चलिए मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, चलिए आपसे जल्दी से मिलते हैं अब। तो चलिए भाई यार आपको मैं क्या बताऊँ भाई, पूरे के पूरे 3 घंटे बाद 40 EXP कलेक्ट करी। क्योंकि आज पहले शुरू शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी भाई, बस थोड़ा थोड़ा कर रहा था मैं, तो 2-3 को मार रहा था, जब जाके 1 EXP मिल रही थी। तो गाइस जब मैंने भयंकर 20 पार करी 30 पार करी, ओ भाई 6-6 7-7 मॉब को मारने के बाद 1-1 XP मिल रही थी गाइस, समझ रहे हो। 3 घंटे और पूरी की पूरी माइनक्राफ्ट की 9 रातें बिता के मैंने, मतलब उल्टा सीधा मत समझना गाइस, 9 रातें बिता के मैंने पूरे के पूरी इतनी 40 EXP कलेक्ट करी है। अब जल्दी से चलते हैं और अपने पहले टूल बनाते हैं जल्दी से पूरे के। यार ये थोड़े ना स्लो चल रहा है यार, ग्लिच हो रहा है थोड़ा सा, देखना भाई मेरा कलेक्ट नहीं हो पा रहा। देखो मैं कितनी दफ़ा क्लिक कर रहा हूँ, फिर भी 1 दफ़ा हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ यार ये। चलेगा अब रखते हैं ली से, और अब एक पिक्स बनाते हैं पहले डायमंड के ली से, और डायमंड ऐसे रखते हैं। और हमारी पिक्स तैयार हो चुकी है, अब बस इन्हें कलेक्ट करना है। तो चलिए अब जल्दी से एक शॉट बनाते हैं, बहुत सबसे मेन चीज शॉट है डायमंड की। चलेगा शॉट भी बन, भाई क्लिक क्यों नहीं हो रहा एक बारी में। चलेगा शॉट भी बन चुकी है, अब जल्दी से 1 X बनाते हैं। कैसे रखना होता है? हाँ ऐसे रखना होता है, और स्टिक को ऊपर रखना होता है। चलेगा
गाइस चलिए एक्स भी बन चुके हैं, अभी के लिए सिर्फ इतने वो काफी ही रहेंगे, क्योंकि गाइस अब हम शवल बाद में बनाएंगे, शवल का इतना जरूरत नहीं रहती है। चलते हैं जल्दी से एंचेंटिंग टेबल के करीब और जल्दी से एंचेंट करते हैं। तो हमारा लेपिस लगुली कहाँ, लगुली 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 ए पिछले पे लगुली लगुली ओ है गुली ओ गुली गुली गुली। अब एक किधर मर गया भाई, किधर है बबुआ? ए लेपिस लजुली लेपिस खजुली ए लेपिस लजुली। बंदा भी यार रो रहा होगा, मेरा नाम बिगाड़ रहा है साला, बंदा गाली वगैरह होगा। एक दिन मर जाएगा लेकिन मैं नहीं मरूंगा, मतलब मरूंगा लेकिन अभी नहीं मरूंगा। तो अब चलते हैं अल्लाह के ऊपर है यार, कौन ऊपर वाले के ऊपर है, कौन कम मरेगा कौन कम नहीं मरेगा। ये लेपित लजूली कौन होता है यार मारने वाला? कस अबे यहाँ रखा हुआ है, मैं इतनी देर हो रखी है भाई ढूंढते ढूंढते, पूरी चेस्ट सारी वो खोल ली है मैंने जब जाके मिला है। चाहे अब लेपित लजूली लगते हैं और जाकर रखते हैं ये जल्दी से सोड अपनी, देखते हैं क्या मिलता है जल्दी से हमारी सोड में। शार्पनेस फर्स्ट ओ हो। तो आज बुक शेल्फ चाहिए रहेंगे यार हमारे, अब तक शार्पनेस फर्स्ट मिलेगी। इसकी हमें वो बढ़ानी, रेंज बना मतलब इसकी लिमिट बढ़ाने के लिए हमें इसके अगल बगल बुक शेल्फ रखने पड़ेंगे। तो आज आधा घंटा और वेस्ट करते हैं और जल्दी से लेदर और पेपर वेपर बना के बुक शेल्फ बनाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाय इतनी देर बाद यार, अब बहुत बना रहा है, बहुत देर हो गई। तो गाइस अब जाकर यार मैंने 15 बुक शेल्फ कलेक्ट कर लिए हैं। अब गाइस नीचे इसके लिए लाने के लिए जगह चाहिए, अब जगह ढूंढते हैं। अब फिर नीचे चलते हैं, नीचे जाके देखते हैं क्या इसके लिए जगह है, इसको हम नीचे लगा पाएंगे या फिर नहीं। अगर नीचे नहीं लगा पाएंगे तो एक नीचे खड्डा खोद देंगे, खड्डा खोदने के बाद उस खड्डे में लगाएंगे। चलिए यहाँ पे लगा के देखते हैं, गाइस यहाँ पे भी नहीं लग पाएगी क्योंकि एक गैप एक ब्लॉक छोड़ के लगाना पड़ेगा। वो क्या नाम है इनका, ये बुक शेल्फ। अगर यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा यार। तो आज नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता बाबा, नहीं हो सकता। चलेगा इस, कोई नहीं, अब आपसे खड्डा खोद के मिलते हैं जल्दी से। तो आज चलो, हमने इतना कुछ खड्डा खोद दिया भाई, बहुत मजा आया खड्डा खोदने में अपनी शवल से, मतलब शवल तो आयरन की है भी। नहीं कोई नहीं भाई, लेकिन मजा बहुत आया जो बात है खड्डा खोदने में। चलेगा हमने इतना कुछ 9x9 मतलब मैंने गिनती नहीं करी कितने का खोदा है, लेकिन भाई खोद दिया है, सबसे मेन तक खोदना तो मैंने खोद दिया है और हमारी बुक शेल्फ में आ भी चुकी है। तो इसको तोड़ते हैं, अबे यार बुक मिलेंगी तोड़ लेते हैं, मैं तो भूल गया था। चलिए अब कोई नहीं, अब जल्दी से यहाँ पे लगाते हैं और बुक शेल्फ, 5 बुक शेल्फ बचे हैं अभी लगाने के बाद भी। देखिए वर्ड निकलने लगे हैं बुक शेल्फ से हमारी उसकी टेबल की तरफ। तो आज चलिए अब जल्दी से यहाँ पे टॉर्च लगा देते हैं एक और जल्दी से लगाते हैं अपनी एन्चेंटिंग लेपी लदुली और सॉर्ड। ये अब मिली ना बेटा शार्पनेस 3। तो गाइस अब आएगा ना अपना असली मजा। चल जल्दी से लगाते हैं, अब जल्दी से शार्पनेस 3 लगा लेते हैं। लेकिन लगती कैसे यार, लग गई? नहीं यार अब भी नहीं लगी, लगती कैसे यार ये पता नहीं मेरे को यार, इतना तो कुछ लगाऊं कैसे थे, क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा नीचे से लगेगी। चलेगा लगा लिए अपने अपने सॉर्ड पे, शार्पनेस 3 मिली है, उसके साथ अनब्रेकिंग भी मिली है। चलिए अब एक्स की बारी, वो स्माइट मिल ली है एक्स पे, वो भी 4, स्माइट 2 स्माइट 1 स्माइट 2 स्माइट 4। भाई स्माइट 4 जल्दी ले लो, बिना किसी देरी के ले लो, हमें कुछ देखना ही नहीं, ले लो भैया ले लो। कोई नहीं एफिशिएंसी नहीं मिल रही, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप पिकेक्स देखते हैं, एफिशिएंसी मिल जाए बहुत अच्छी सी। अनब्रेकिंग यार 2 मिल रही है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी अगर 3 मिलती तो ज़्यादा बेहतर रहता। चलिए यार अभी तो 2 लेनी पड़ेगी हमें, बाकी विलेजर आ जाएंगे तो विलेजर ट्रेडिंग कर करके बुके लेके फिर उसके बाद आराम से करेंगे बिना किसी दिक्कत के। तो चलिए ये एफिशिएंसी और ये शार्पनेस। अब प्यार तो भाई ऊपर चलते हैं और एक शवल भी बना लेते हैं। चलिएगा ऊपर चल के मिलते हैं। तो चलिए ऊपर आ चुके हैं, अब एक शवल दिल्ली से एक शवल भी बना लेते हैं। डायमंड क्योंकि डायमंड बचे, डायमंड बचे हुए का मैं क्या करूंगा, इसलिए पहले शवल बना लेते हैं। शवल बना के उस पर भी एंचेंट कर लेते हैं, क्या होगा देखते हैं क्या एंचेंट मिलेगी। एक क्लिक में क्यों कलेक्ट नहीं हो रही है? चले गाइस मिल गई है, कलेक्ट हो गई है। क्या फेंक रही है, चावल तो नहीं है तू? साले 3 घंटे लग गए कलेक्ट करने में। हेलो समझ रहा भाई गेम का प्लेयर।
रहा है डायमंड तो मिलते रहते हैं। चलिए भाई अब लेडर भी बना लेते हैं, क्योंकि बार बार बकेट लगा के कौन आएगा यार ऊपर, कौन चढ़ेगा। तो चलिए लेडर लगा लेते हैं, कहीं जगह ही नहीं है यार, बैग में क्या फेंकूँ। तो आई रोटर फैस फेंक देते हैं और जल्दी से लगाते हैं लेडर। चलो चलिए लेडर बना लेंगे, जल्दी चलते हैं नीचे की तरफ। नीचे चल के जल्दी से अपना खोद खुदाई करते हैं, खुदाई खुदाई मतलब उसके आगे लेडर वेडर लगाते हैं और शवल पे एनचेंट लगाते हैं, एनचेंटिंग लगाते हैं, एनचेंट करते हैं, बेसिकली एनचेंट करते हैं अपने शवल को। चलो ऊपर चल के देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ऊपर चढ़ने में। चलो हाँ गाइस कुछ नहीं हो रही, प्रॉब्लम प्रॉब्लम डन, सब डन है। चलिए नीचे चलते हैं ली, कभी ऊपर नहीं चढ़ रहा, कभी नीचे नहीं, क्या आफत ही है क्या। क्या आप नीचे भी आ गए, अब देखते हैं क्या मिलता है। अपने चावल पे लेपे लदू रखते हैं और अपने चावल लगते हैं, दो चावल लगते हैं, कितने क्या मिल। अब अनब्रेकिंग का क्या करूंगा यार, फॉर्चून का भी क्या करूंगा। इसमें शार्पनेस वन मिल ली है यार, वो सॉरी एफिशिएंसी वन, एफिशिएंसी थ्री मिलती है ना भाई, बहुत पावरफुल हो जाती है यार ये वाली मेरी शवल। साले चावल से पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अनब्रेकिंग थ्री का अनब्रेकिंग एक मिले, टूटेगी शवल जब भी नहीं। अनब्रेकिंग का थ्री का क्या फायदा होता है, ऐसे सिलेक्ट थ्री का कोई फायदा नहीं होता। अनब्रेकिंग वन हो या अनब्रेकिंग, और दो दो, और मैं तो टेस्ट करने आ रहा था भाई क्या है ये। अरे भाई क्या देख लियो, अरे दादा नहीं भाई, तो मैं टेस्ट करने आया था भाई यार, क्या है कैसी है अपनी ये शवल स्मैट फैट स्मैट वाली भाई, तो सारे टूट पड़े मेरे पे। तो ये प्लेजर भी है, तो आज लिए देखिए बच के मैं घर पर आ गया था। तो चलिए अब बाहर निकलते हैं जल्दी से और अब उनको पहले प्लेजर को मारते हैं, बहन की साले बहुत फ्री हो रहे थे मेरे से। चलिए गाइस चलते हैं भाई, लग गई बेचारे के भी, मैं थूक मत फेंक साले, गलती से लगी इतना मारूंगा ना साले, पाल रखा है एक तो मैंने तेरे को। चलेगा तो जल्दी से धोते पकड़ के मार भड़, भाई साले एम भी नहीं लगाने देते, देखना गाइस सारे एम भी नहीं लगा, देखना उछलते ही मार रहे हैं, देखना। अबे यार तो मोबाइल के कंट्रोल बड़े फोर होते हैं यार, नहीं खेलना चाहिए मोबाइल कंट्रोल पे। चलेगा जब शीप पे भी ट्राई करते हैं, शीप तो एक शॉट में मरेगी, चाहे वो शवल हो, शार्पनेस थ्री हो या फिर स्माइट फाइव हो। शार्पनेस थ्री भी यूज करके देखते हैं। हाँ गाइस मर रही है भाई, एक में मर रही है, मर ली मैंने पहले बोला मर रही है, सॉरी गाइस मर रही है, एक में मर रही है हर चीज़। अब शवल यूज़ करते हैं, हाँ शवल भी ढेर सी है, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे चल के जल्दी से पिकेक्स यूज़ करके देखते हैं, ग्रे वाला यार। हाँ भाई फास्ट हो गई भाई, भाई फास्ट एक दफा देखना इसकी स्पीड, और पता भी नहीं चल रहा कहाँ टूट रहा है। चले गए ऊपर चलते हैं जल्दी से पानी लगा के, अरे कलेक्ट करते हैं और ऊपर लगाते हैं। चलिए गाइस तो गाइस हो सकता है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आज हमने बहुत मेहनत करी और डायमंड ढूंढे, ये करा वो करा, उसका नतीजा है भाई हमारे पास ये पूरे का पूरा टूल, वो भी अनचेंटिंग उसका नतीजा। तो गाइस अगर आप पूछोगे कि सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगा, तो गाइस सबसे ज़्यादा टाइम लगा भाई XP कलेक्ट करने में। तो अच्छी हो सकता है आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही ऐसी नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। 아침 햇살